शराब की लत छुड़वाने की कुछ टिप्स मैं आज देने वाला हूँ। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं साइकियाट्रिस्ट, हिप्नोथेरेपिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट एंड डी एडिक्शन स्पेशलिस्ट हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। ये वीडियो के बारे में यदि आपके कुछ सवाल होंगे तो हमारा ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आपको फ्री चैटिंग उपलब्ध है और आपके सवाल के जवाब मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर पर जाके डॉक्टर केळकर यह ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए फिर से देखते हैं अल्कोहल एडिक्शन, उसकी ट्रीटमेंट टिप्स। आज दुनिया में करीब करीब 50 लाख लोग हर साल सिर्फ प्योरली अल्कोहल एडिक्शन से मरते हैं। सबको ये पता है कि अल्कोहल काफ़ी बीमारियां हमारे बॉडी में पैदा करता है। कम से कम 50 अलग अलग बीमारियां अल्कोहल की वजह से हमें होती है, शराब की वजह से होती है। और 20 से 40 साल की उम्र में कम से कम 25% मौतें जो होती है ना, उसमें से 25% मौतें अल्कोहल की वजह से होती है। अभी हमको देखना है कि अल्कोहल में एडिक्ट कौन है, लत किसको लगी हुई है। तो जो व्यक्ति को अपना रोज का जीवन जीने के लिए शराब की जरूरत होती है और बिना शराब के वो जीवन नहीं जी सकता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि उसको अल्कोहल की लत है और एडिक्शन है। मतलब उसको सुबह उठने के बाद में ही लगती है शराब और वो जीवन ही जी नहीं सकेगा, या उसको कभी ना कभी दिन भर में लगती है कि उसके बाद में वो पैरालाइज हो जाएगा, उसको हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, पसीना आ जाएगा, घबराहट हो जाएंगे, उसको शराब लिए बिना वो काम ही नहीं कर सकेगा। तो हम समझ सकते हैं कि उसको शराब की लत है, अल्कोहल एडिक्ट है। देखो, युवा अवस्था में होता क्या है कि क्यूरियोसिटी होती है, भाई लेके देखते हैं, पीयर प्रेशर है, बाकी भी बच्चे ले रहे हैं तो हम लेके देखते हैं, थोड़ा सा ऐसा एक अहमपना आ जाता है, एक एरोगेंस, एक इंडिपेंडेंस आता है। तो उस समय फिर वो पीयर प्रेशर में बच्चों के प्रेशर आते हैं, दोस्तों के प्रेशर वहाँ चालू कर देता है कि इनको, कुछ लोगों को टेंशन है, स्ट्रेस है, और फिर उसमें चालू कर देते हैं कि इनको पैसे का टेंशन है, किसको नौकरी में टेंशन है, किसको बिजनेस का टेंशन है, तो ये होते रहता है और वो फिर चालू कर देता है। मगर ये सबको मालूम है कि भाई अल्कोहल लेके मेरा लीवर ख़राब हो जाएगा, मेरा हार्ट जो है उसके ऊपर खराबी आ जाती है, किडनी के ऊपर खराबी आती है, ब्रेन के ऊपर अल्कोहल से खराबी आती है, और ये सब हमारे ऑर्गन्स अफेक्ट करते हैं। ये करने के बावजूद भी वो शराब लेते रहता है, क्योंकि एक बार एडिक्शन हो गया तो फिर वो एडिक्शन छोड़ना मुश्किल हो जाता है। ऐसा बोला जाता है कि वंस एन एडिक्ट इज ऑलवेज एन एडिक्ट, वंस एन अल्कोहलिक इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक। एक बार अल्कोहल लिया आपने तो क्या होता है, आप पहले अल्कोहल लेते हैं, फिर अल्कोहल अल्कोहल के लेता है, थोड़ा अल्कोहल फिर अल्कोहल को और बुलाता है, और फिर अल्कोहल आदमी को लेता है, मतलब आदमी को खत्म कर देगा। क्या होता है कि अल्कोहल लेने से ब्रेन जो है हमारा, दिमाग थोड़ा सा शांत हो जाता है, लेस एक्टिव हो जाता है, रिलैक्स होता है और काफ़ी अच्छा लगता है। लोग सेक्स की बीमारी करके भी अल्कोहल लेते हैं और उनको थोड़ा सेक्स में थोड़ा सा अच्छा लगता है और सेक्स वो कर सकते हैं शराब लेने के बाद में। जिनको टेंशन आता है, एंग्जाइटी है, तो शराब लेंगे और सेक्स करेंगे, मगर उसमें भी प्रॉब्लम है। ऐसा बोला जाता है कि अल्कोहल इंक्रीज द डिज़ायर, सेक्स करने की इच्छा बढ़ जाती है, बट टेक्स अवे द परफॉर्मेंस, मतलब काम नहीं कर सकता, सेक्स नहीं कर सकेगा, इच्छा हो जाती है, तो उसमें भी फिर फंस जाना हो जाता है। अभी क्या करना क्या है इसके लिए? एक तो क्या है कि आपको बहुत लत लगी हुई है तो बहुत ज़्यादा है, शराब नहीं लिया तो हाथ कांपना शुरू हो जाता है, घबराहट है, बेचैनी है, नींद नहीं आ रही है, सीधा जाकर हॉस्पिटलाइज हो जाओ। हॉस्पिटल में आप भर्ती होते हैं, ट्रीटमेंट मिलती है, दवा, नींद की अच्छी दवाई मिल जाएंगी आपको, बाकी जो तकलीफें हो रही है उसके लिए आपको आईवी फ्लूइड्स है, बाकी दवाइयाँ, नींद के लिए दवाएँ, भूख लगने के लिए दवाई, लीवर खराब है उसके लिए दवाई, ऐसा लेके आप जो विड्रॉल सिम्टम्स है उससे आप बच सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट अच्छा हो सकता है। फिर अभी घरेलू उपचार कौन से हो सकते हैं? घरेलू उपचार ये हो सकते हैं कि आपको डॉक्टर के पास में जाना नहीं है, तो फिर धीरे 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 आपको अल्कोहल शराब कम करना पड़ेगा। मगर ये बहुत कठिन काम है कि धीरे 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 आप कम करें ताकि वो विड्रॉल सिम्टम नहीं आएंगे, ये कठिन है। कोल्ड टर्की ट्रीटमेंट मतलब एकदम बंद कर देना, जाके हॉस्पिटलाइज हो जाना बेस्ट। घर में करना है तो धीरे 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 कम करना पड़ेगा, अपने आप के ऊपर कंट्रोल आना पड़ेगा, नंबर एक। नंबर दो, आप मील्स जो है खाना मत स्किप करो, क्योंकि जब खाना स्किप करते हैं तो फिर अल्कोहल लेने की इच्छा हो जाती है। तो कोई भी खाना स्किप नहीं करना है, मतलब ब्रेकफास्ट लेना है, दोपहर का खाना खाना है, रात का खाना खाना है, रेगुलर और रेगुलर अच्छा डाइट लेना है, जिससे कि शराब पीने की इच्छा कम होती है। भूखा रहा तो आदमी शराब पीता है। नेक्स्ट नंबर तीन, एक्सरसाइज अच्छी करो, 40 मिनट से लेके एक घंटा अच्छी एक्सरसाइज, पसीना बह जाएगा ऐसी एक्सरसाइज करो, उससे फील गुड हार्मोन सिक्रेट होते हैं और शराब पीने की इच्छा कम हो जाएंगी। नंबर चार, शाम के समय अपने आप को बिजी रखो और अकेला मत रखो। क्या होता है कि आप बिजी रहते हैं, लोगों के साथ में रहते हैं,
कोई हॉबी में रहते हैं, कोई खेल खेलते हैं, तो शराब के ऊपर जो ध्यान जाता है तो वो ध्यान जाएगा नहीं और वो एक अच्छे काम में लग जाएगा अपना दिमाग, तो वह आप कर सकते हैं। नंबर पांच, आप अपने आप को एक्नॉलेज करो कि भाई मुझे सब कुछ है, मैं क्यों दुखी होकर शराब पी रहा हूं। क्या होता है कि काफी लोग दुखी होकर शराब पीते हैं, मुझे मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास में संपत्ति नहीं है, मेरे रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, मुझे लोग प्यार नहीं करते, मैं लोगों के ऊपर प्यार नहीं करता हूं, ऐसा मतलब कुछ ना कुछ लगता है कि अपने में कमी है। इसके बदले खुद को एक्नॉलेज करो, खुद को थैंकफुल समझो, भाई अपने को सब कुछ भगवान ने दिया हुआ है तो उसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ, अपने खुद को एक्नॉलेज कर रहे। और वहां से फिर यदि आप देखेंगे अपनी तरफ कि भाई अपना जीवन तो अच्छा चल रहा है, खुद को एक्नॉलेज करो, और जब खुद को एक्नॉलेज आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आप शराब पीने से दूर रह सकते हैं। फिर कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं कि जो दवाइयाँ आप लेते हो तो उल्टियाँ हो जाती हैं उसके ऊपर शराब लिया तो। दवाई से कुछ नहीं होता है, दवाई लिया तो अच्छा लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर उल्टी हो जाती है। तो कुछ लोग ऐसे स्पर ऑफ द मोमेंट में लेने वाले कि ठहराते हैं कि नहीं लेना, शाम को फटाक से जाके ले लेंगे वो दवाइयाँ। आप यदि गोली लेते हैं डॉक्टर की तरफ से तो शराब ऐसा जाके फटाक से पियेंगे नहीं, क्योंकि वो मालूम है कि गोली ले रहे हैं और जाके शराब पियेंगे तो उल्टियाँ हो जाएंगी, घबराहट हो जाएंगे और हॉस्पिटल में दाखिल होना पड़ेगा। तो वो आपको देखना है कि भाई आप वो गोली मेंटेनेंस ट्रीटमेंट आप लेते हैं। और नेक्स्ट, आप अच्छे लोगों के संपर्क में रहो, मतलब जो शराब पीते हैं उनके कंपनी में रहो। क्या होता है कि आप जो है आपका स्वभाव और आपकी आदतें या आपके आजू बाजू में जो पांच लोग हैं ना उसका एवरेज है। आप ऐसा नहीं हो सकते कि नहीं मैं उनके साथ में बैठता हूँ, उनके साथ में बातचीत करता हूँ, मेरे दोस्त है वो सब शराब पीते हैं मगर मैं नहीं पीता, ऐसा होगा ही नहीं। कभी भी फटाक से आप पीना चालू कर देंगे तो आपको वो दोस्तों के साथ में रहना नहीं जो शराब पी रहे, बल्कि उल्टा जिन्होंने शराब छोड़ा हुआ है और जिनको शराब छोड़ने की इच्छा है छोड़ी हुई है, ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस का जो ग्रुप है वो ग्रुप में आपने ज्वाइन करना है, ग्रुप के मीटिंग में अटेंड करना है और वो ग्रुप में रह के शराब से दूर रहने का है। तो ये टिप्स मैंने दिया, आपको बहुत अच्छी लगी तो जो शराबी है सभी लोगों को शेयर करो ताकि वो अपनी लत छोड़ सकेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।